चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो ये केवल नाम बदलना और सांप्रदायिक बात करना ही जानते हैं, इससे अलावा इन्होंने कोई काम धरातल पे नहीं किया। हमारे बच्चे हैं, मैं बेरोजगार, ये उम्र लग रिलीजन इनकी MSc MSc, जिनके सारे टेस्ट करे फिर उनके नंबर नहीं आ रही। हमारी तो पसंद यह है, हम तो जिसे जेंट टिकट दे देगा आंख मीच को सपोर्ट दे देंगे। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, मतलब स्टेट जो है एक ही रिलीजन को सपोर्ट करे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट वायलेशन है। जो ऐसा बोल भी रहा है, मेरे अनुसार उस पर जो है केस होना चाहिए। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का ये भविसा गाँव है। मैं आपको बता दूँ कि पूरे देश में लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर चर्चाएँ शुरू हो रही है। जगह जगह लोग लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। हम भी आज यहाँ कैराना लोकसभा सीट पर है, जहाँ पर भविसा गांव में हम यहाँ के लोगों से, किसानों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों का विचार बन रहा है, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ गाँव के लोग हैं, किसान भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबू जी, क्या नाम? ओमवीर सिंह जी। देश में लोकसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है आप इस बार, किस चेहरे को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? हमारा इज्जत हमारा कुछ नहीं करे आप लोग, जोन साहब बैठे बैठा ही 10 साल, तो 10 साल 9 साल में मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया आपके लिए किसानों भी नहीं करा, करा ही नहीं कुछ भी। क्या नाम बाबू जी? सुरेंद्र जी। क्या लग रहा है जी इस बार, किस क्या कैसे देख रहे हैं किसान? 10 साल में कुछ काम हुआ मोदी जी ने, कुछ काम किया आपके लिए? काम तो बढ़िया कराया जी उसने। किस तरह का काम? उसने बढ़िया कराया कि किसानों का परमिट रोक दिया, ये बेचारा गेहूँ लग रहे किसानों की फसल खावन है उनके, कहीं कुत्ते को आता कहीं किसी को आता कहाँ तक किया तक है यहाँ, तो जो काम बढ़िया करे हमने, बढ़िया नहीं काम बस। अब किसानों का सारा पेमेंट रोक दिया, दुखी होते फिरे बेचारे, ये बेसारा पशु सारी फसल खा के रात को ये दिन में काम करे रात को जंगल में पड़े, वो काम बहुत करे हमने। तो जैसे आपके यहाँ सांसद है प्रदीप चौधरी जी, वो कभी क्षेत्र में आए किसी काम किसानों के? बता भी नहीं सकता जी, कोई शकल भी नहीं देखी आज लोग, शकल नहीं देखी किसी ने उसकी। क्या नाम भाई जी? योगेश भविष्य। योगेश भाई, लगातार लोकसभा चुनाव की चर्चाएं बन रही है आपके पूरे क्षेत्र में, हर जगह पूरे देश में, आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र में जो हाली जो सरकार है या उसने पिछले 10 सालों में ऐसे कुछ काम किए हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कि जनता को फायदा हो किसी तरह का? आप ये देखिए, मोदी जी ने एक बात कही थी कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट ब्याज सहित मैं कराऊंगा। अभी आपने अगर शामली वाला कवरेज किया हो तो 17 दिन से हमारे एक जयपाल ताऊ जी थे, वो अनशन पे बैठे थे, इसी बात को लेके, भाई आपने अगर वादा खिलाफी की है तो फिर आपको जेल जाना चाहिए। आप इसी वादे पे हमने आपको वोट करा था कि भाई आप 14 दिन में हमारा गन्ना पेमेंट वो दिलवाओगे, बिजली के बिल माफ़ करोगे। अब जैसे बिजली की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने योगी सरकार ने भी कहा था कि भाई बिजली के बिल इस तारीख से आप देंगे नहीं, लेकिन घर पे बिजली का बिल आ रहा है और वो जमा नहीं करेंगे तो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो जनता पूरी तरह से इस सरकार से उब चुकी है, जो इस देश के नाम को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया नाम रखा, इन्हें क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये कहते हैं कि तो भारत है, उससे पहले जीतेगा इंडिया, तो भारत जो भारत है ये तो पुराणों में लिखा हुआ है कि भारत नाम है, और हर जगह हमारे देश का प्रतिनिधित्व इंडिया के नाम से होता है। आज ये उसे भी ये कह रहे हैं कि भाई इसका नाम भारत है। तो ये केवल नाम बदलना और सांप्रदायिक बात करना ही जानते हैं, इससे अलावा इन्होंने कोई काम धरातल पर नहीं किया। हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। चुनाव से पहले तो बड़े वादे किए जाते हैं कि जनता के साथ हम ये इस किसानों के लिए हित में ये काम करेंगे, ये केवल वादों में ही रही। अब 10 साल होने वाले, अब फिर कोई ना कोई बड़ा वादा लेकर आएंगे, हमेशा वादों से घिरी रही। और ये जो प्रधानमंत्री है, इनका नाम हो गया प्रधानमंत्री, तो ये केवल परिधान बदलते हैं, मेकअप कराते हैं और झूठ बोलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जनता मौका देगी इस बार इनको? अब की बार नहीं माफ करेंगे, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। तो बाबा जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की अभी चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर, और एक तरफ NDA नाम से गठबंधन है, एक तरफ इंडिया नाम से गठबंधन है, तो क्या इस बार लोगों की, जनता के मुद्दों की बात होगी, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होगी, या हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक चीज़ों पर ही बात होती रहेगी? नहीं, इसमें ऐसा है, हम तो इंडिया में ही पैदा हुए और इंडिया में ही हर इंडिया के गैल रहेंगे, इसका नाम ले और ना कोई भी इन कर दे जी। भाई हमारे बच्चे हैं, मैं बेरोजगार, ये उम्र लग रिलीजन इनकी
एमएससी एमएससी जिनके सारे टेस्ट करे खेल उनके नंबर नहीं आ रहे, इनकी उम्र लग रही लिखन तो हम कुकर चले जाए सब रोजगार खो दिया। अंबानी की इनकी बोरी जोड़नी पड़ेगी, धरती मारी उपजाऊ और ऊँची ऊँची रोड में कहीं नहर में उनमें फिट कर दी। मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी जहां हम लोगों से चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, यहां बारिश शुरू हो गई है और बारिश की वजह से हम थोड़ा अंदर छत के नीचे चलेंगे और वहां लोगों से बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चीज़ें बन रही हैं। अभी आइए जी साहब। जी निजीकरण कर रहे हैं तो इसमें कुछ आपके बच्चों को नौकरियां या रोजगार की व्यवस्था कुछ की इन्होंने? नौकरी सारी खत्म कर दी, किसी की नौकरी नहीं लगती, भर्ती नहीं होने देते बिल्कुल भी, ठावे झगड़ा करें और उसे भर्ती की टाड़ करवा दें, सब जगत बेकार हो गए, सड़कों को फिरे, कोई रोजगार नहीं है, खत्म कर दिया जो भी माड़ा मोटा था। तो इस बार मौका देगी जनता? हाँ मौका देगी, ढेर ठंड भराने का, ढेर ठंड भराऊंगे कैसा। जी बाबू जी क्या नाम? बबलू आर्य। बबलू भाई क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देख रहे हैं इस बार? भाई हम तो देख जयंत चौधरी के फैन हैं, हम तो उसे देखना चाहें। तो मोदी जी के कुछ काम ऐसे हुए हो जनता के हित में कुछ ऐसे? नहीं किसानों के लिए एक लाभ तो है किसानों के लिए, बहुत बढ़िया फसल को बोए हो तैयार कर दो और घर लेने की जरूरत ही नहीं, लेने तो पंडा छूट गया इस सरकार में हमारा, फसल को अपना घरों लौट जाओ आराम से, वे जो बिजार है नहीं सांड फिरे वे अपने आप खाली कर दे उसे खेत। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम गौशाला बना रहे हैं, काउ सेंचुरी का ये कह रहे हैं, काउ सेंचुरी हम बनाएंगे जहाँ 100-100 गौशाला ही बनेगी। जी हमारे गाँव में तो देखे नहीं, अरे यहाँ जो बनी थी पहले बनेड़े में बनी थी पास के गाँव में, वे भी आज पता नहीं कहाँ है, सब भुक्के मर गए गाँव उसमें गौशाला में, अरे ये मर गई वहाँ तो क्या लाभ है उन गौशाला का। ये कैराना लोकसभा सीट है और यहाँ कई उम्मीदवार है, ऐसे भाजपा से प्रदीप चौधरी है और इधर सपा से इकरासन भी मैदान में है, तो आप कैसे देख रहे कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है कि लोगों की पसंद बन सकती है? लोगों की पसंद मारी तो पसंद यह है, हम तो जिसे जैंट टिकट दे देगा आँख मीच का उसे वोट दे देंगे। आप गठबंधन को? आप हाँ बिल्कुल गठबंधन को देंगे। बहुत सारे सवाल है देश में नौजवानों के, आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या नौजवान जो है युवा जो है उसके मुद्दों पर बात होगी या फिर देश में एक अलग ही दौर चला हुआ है, एक नफरती दौर देश में, अलग अलग घटनाएं आप सुनते होंगे, इस बार आप क्या लग रही लोगों को नौजवान किस तरफ देख रहा है इस बार? देखिए सबसे पहले तो बात मैं बता दूँ कि इलेक्शन के नाम पर कुछ फैक्ट है थोड़े बहुत, जैसे मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में आप सर्वे कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया था, एक पेपर भी निकाला था लिखा था अपने आप कि पूरी दुनिया में सबसे कॉस्टली जो इलेक्शन होता है वो होता है इंडिया का, इससे ज़्यादा महंगा इलेक्शन कहीं नहीं होता। दूसरा बीजेपी की पार्टी और अदर पार्टी 95% जो है जो फंड है वो सारा का कहाँ जाता है? बीजेपी में। अभी शायद 8-10 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि 2500 कुछ करोड़ रुपए तो जो है बीजेपी के अकाउंट में है और 65 करोड़ रुपए कांग्रेस के अकाउंट में है, तो ये समझ नहीं आया। हालांकि इसके पीछे जो है वो जो इलेक्शन बॉन्ड जो थे उनका अभी थोड़ा मैटर्स में रहा है, उसकी वजह से भी इनको इम्पार्शलिटी हुई उसमें जो है जो होना चाहिए था, मतलब जिस तरीके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं दिखी। जिस स्पीड से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री उस स्पीड से काम नहीं होता है, गवर्नमेंट जिस स्पीड से चाह रही है क्या अगर जब तक आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, उनको आप वर्क नहीं दोगे, उनका पेट नहीं भरोगे, तब तक तो वर्क बन ही नहीं सकता। मुझे तो नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में जो है किसी भी तरीके से ठहर रहे हैं, मैं नहीं मानता ऐसा। एक चर्चा देश में बड़े तौर पर चलती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत जैसे लोकतंत्र देश में क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह के राष्ट्र की? देखो हिंदू राष्ट्र या किसी भी तरीके का राष्ट्र हो, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनने से पहले भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है ना, जहाँ पे आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर धर्म को बराबर बराबर सहयोग किया जाएगा राज्य के द्वारा, ठीक है, फ्रांस के जैसा नहीं है कि फ्रांस में क्या करता है स्टेट अलग है और रिलीजन बिल्कुल अलग है, इंडिया में क्या है स्टेट जो है रिलीजन को एक साथ बांध करके चलता है अंडर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये हमारा काम करता है। तो वहाँ का सेक्युलरिज्म क्या है, स्टेट अलग रिलीजन अलग, हमारा क्या है स्टेट जो है इक्वली सबको देखेगा कि रिलीजन कैसे काम करता है। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, मतलब स्टेट जो है एक ही रिलीजन को सपोर्ट करे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट वायोलेशन है, जो ऐसा बोल भी रहा है मेरे अनुसार उस पर जो है केस होना चाहिए, ठीक है, और उसको जो है जेल में से बाहर आने का मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो बदलाव होगा इस बार क्या होगा? बदलाव
हमारी सरकार आएगी तब बदलाव हो जाएगा, और नहीं हम तो चल दिए विदा हो गए। हम जिला शामली के भविसा गांव में थे और ये कैराना लोकसभा सीट आती है, और यहाँ से मौजूदा सांसद जो है वो प्रदीप चौधरी जी है। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कभी सांसद जी को अपने क्षेत्र में नहीं देखा है काम करते हुए, लोग खासा नाराज हैं। यहाँ जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। 220 करोड़ तो बैसाना मिल रहा है, जिसमें कह रहे कि 20 करोड़ दे सकेगा, 20 करोड़ का 20 भाई क्या लोग।